सो यार, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रहे हैं सुबह और निकल रहे हैं केदार कांथा की ट्रैकिंग के लिए। 6:15 ऐसी टाइम हो रहा होगा। और बस अब पूरी ट्रैकिंग में जो होता है देखते हैं। वैसे अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है यार, मतलब पूरा खाली है एकदम। बस ये दिख रहा है, आ जा, खतरनाक है यार ये भी। क्या नाम है यार भाई? नरेंद्र रावत। तो भाई हमारा गाइड है यार, अब रास्ते में मिलता रहेगा, बातचीत होती रहेगी, ठीक है। अभी कहाँ जा रहे हो यार? अभी आपको लेके नीचे जा रहे थे रूम में। अच्छा अच्छा, फोन फंस गया है। अच्छा अच्छा, मतलब तो जो ताकत होता है बेड, हाँ, वो खिसका ही नहीं जा रहा, तो मतलब हेल्प चाहिए। अच्छा अच्छा, तो आना है क्या? हाँ जी। अच्छा चलो फिर, चलो कर देते हैं। चाय बन रही तब तक। ठीक ठीक, फिर निकलेंगे यहाँ से अपना। और यार भाई का बेड बहुत भारी था यार, महंगा। चाय आई नहीं अभी? चाय तो आने दे। अच्छा, महंगा बेड था यार, पत्थर था वो। और ठंडा हो रहा है यार, मस्त वाला एकदम, पी जा रही है चाय। और कुत्ते बड़े खतरनाक, उनके भोटिया तो अलग ही है, मतलब यार यहाँ तो थोड़े यार खतरनाक है, मतलब रहते ही वो ठंड में, क्योंकि अब करेंगे स्टार्ट अपनी चढ़ाई। तो यार ट्रैक स्टार्ट होते हुए क्या हुआ? अरे बाप रे, चढ़ाई देखो यार। ट्रैकिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, ये भी हमारा साथ देते हैं, फूल फूल एकदम। भाई ट्रैकिंग बहुत भयंकर चढ़ाई जैसे बोलते हैं ना यार, बहुत भयंकर। ये देखो यार, ऐसे चलता रहेगा क्या? बात करो तो बहुत बुरी हालत हो रखी है, मतलब बहुत कड़ी चढ़ाई है एकदम, देख सकते हैं यार। और नीचे से कंटिन्यू ऐसी चढ़ाई है यार पूरी, इतना पता नहीं लगता है, पर जब खुद करो यार। और सबसे जोशीला आदमी में बैठे हैं वो कोने वाले जो है ना, यही है, ये गाइड है हमारे असली। और ये शेरपा है भाई, जैसी स्टाइल है बिल्कुल एकदम। यहाँ पर जाती हैं लकड़ियाँ, और यहाँ पर रखो यार कुकर वगैरह जो भी है, और मस्त कर गया तंदूर करो इसमें। कंटिन्यू करते हैं, चाचा का ढाबा एंड ढाबा आ गया है। तो ये इसका लाइव ये सही जुगाड़ बना रखा है यार, बैठे है ना, अंडे की ट्रे और ऊपर स्पंज लगा रखा है, और ये लॉग रखे हुए हैं मस्त वाले। तो यार करते हैं ब्रेकफास्ट एंड देन विल कंटिन्यू आवर ट्रैक। और अभी 1-2 किलोमीटर ही आए हैं, और लगभग 8-9 किलोमीटर और बचा है, 11-12 किलोमीटर की ट्रैक है ये। फिर आज ही सोच रहे हैं, आज ही नीचे भी आ जाए, हम देखते हैं जहाँ तक जाते हैं, एंड आप लोगों को बताता रहूँगा मैं। पराठा मिल नहीं रहा है यार, पराठा खाने का मन था, अब सूप बनवाया है, सूप के बाद देखते हैं। यार गाइस कंटिन्यू करते हैं अब अपनी राइड, नहीं यार ट्रैक, आदत हो गई ना बाइक में बोलने की, कंटिन्यू करते हैं राइड। तो यार ब्रेकफास्ट हो गया है, अब निकलते हैं इधर को, चाचा का ढाबा। भाई हाँ भाई, वैसे तो बाइक में करते थे आज हम, और पैरों से कर रहे हैं आज। ट्रेल से बाहर नहीं जाएगा, अदरवाइज बाहर जाएगा तो जाम हो जाएगा। अच्छा, पर वैसे बिन गाइड के आने नहीं देते? ना, बिन गाइड के तो आने नहीं देते, इसमें गाइड को रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, और जो जिसकी कंपनी है कंपनी भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो भाई जो आ रहा है यार उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, इसमें भी आपका सर्टिफिकेट जो लगेगा ना, वह मेडिकल जो कोरोना वाला नहीं, अभी 2 डोज लगे हुए होने चाहिए, और फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जीरोक्स है इनका। अच्छा अच्छा, इनके लिए सर ये फॉरेस्ट में जमा होते हैं, अदर उसके बाद वो लोग हमें परमिशन देते हैं। अच्छा अच्छा, जाओ ये ठीक है हर चीज़ में। तो यार वैसे हम तो आज ही आना जाना कर रहे हैं,
यार गाइस यहाँ पर आ रहा है बहुत सही व्यू यार। और ये जो यार ये लॉग से बनाया ना बैठने का सिस्टम, ये सबसे बेस्ट लगा यार। ये देखो मतलब सब कुछ नेचुरल यार। और ये लगे हुए हैं बढ़िया करके टेंट, और इधर चल रही है फोटोग्राफी। तो यार ये है जगह चूड़ा का तालाब, एल्टीट्यूड 9100 फीट। और यार ये बहुत सही लग रहा है, मतलब यार कैमरे में तो इतना पता नहीं चलता है पर असली में तो यार बहुत सही लगता है यार। तो गाइस यार फिर सीधा सबमिट करते हैं, या इसके बाद पड़ेगा बेस कैंप, और बेस कैंप में देखते हैं यार कि रेस्ट लेते हैं नहीं। अभी तो जाते जाते पता नहीं कितनी जगह रुकेंगे यार, क्योंकि भाई चढ़ाई ना सीधी एकदम ऐसी है जैसे कि देख लिया होगा आप लोगों ने। अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, अब कंटिन्यू करते हैं अपनी। यहाँ से रह जाता है 5-6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर ना, 5 किलोमीटर ऑलरेडी कवर हो चुका है। ऐसी कंडीशन है यार, ये शक्ल देख सकते हैं जैसे कि बिल्कुल रोने जैसी। बैठ जाइए आप सर, बैठ सकते हैं आप। मैं अगर वो बताऊं तो वो लोग कहाँ पर है यार, पता नहीं यार, वो नीचे है और कोई नहीं है यार यहाँ पर, बिल्कुल एकदम शांति। अगर ना आपको आना है तो भाई ये मत सोचना कि यार ट्रैकिंग थोड़ी इजी है, मतलब ठीक ठाक चढ़ाई यार, मतलब ऐसा एक पॉइंट भी नहीं आया कि थोड़ा प्लेन हो स्टार्टिंग से लेके अभी तक यार, मतलब चढ़ाई चढ़ाई। अभी देखो जैसे ये है ना, अभी ये पूरा चढ़ना है, और कैमरे में इतना नहीं दिखाई देता है पर जब ना खुद आओगे ना तो यार। वैसे हम सोच रहे हैं कि रात को 6:30 बजे तक अगर हम नीचे पहुंच जाते तो बेस्ट है, और मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो रुकते हैं बेस कैंप पे, इसलिए रुकते हैं क्योंकि जो वहाँ का सनराइज है ना समिट का वो बहुत अल्टीमेट है। तो हम पे थोड़ा टाइम का इशू है, बेस कैंप यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर होगा, और यहाँ के 2-2.5 किलोमीटर ना भाई बहुत ज़्यादा है। और वो लोग आ गए यार, वैसे बड़े थके थके। उधर से आओ, उधर से, उधर से। तो यार गाइस एज यू कैन सी फाइनली बेस कैंप, और ये है बेस कैंप। इसके ऊपर मतलब मैक्सिमम लोग यहीं पर रुकते हैं रात को, देख सकते हैं यार, मतलब यहाँ कैंप ही कैंप है। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, अब देखते हैं ऊपर जाते हैं नहीं जाते हैं। थोड़ा सा फिसल गए हैं जिसकी वजह से, थोड़ा सा पानी दिखवाओ यार कहीं से, पोंछता हूँ पहले मैं ना, हल्का सा पानी मिल जाए। अरे वो धुएं से हो रखी है यार। अच्छा कोई नहीं, वापिस कर दूंगा अभी। तो यार अभी बोतल ली मैंने पानी की, एक्सपायरी थी वो, क्या छोड़ो अब क्या वापस करनी है। 50 रुपये की एक बिस्लरी की बोतल यहाँ पे। तो यार इसका ये बेस कैंप है, और समिट में दिखाता हूँ, समिट है वो सामने, ये इसका समिट है। और यहाँ से इसको यहाँ से जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए यार हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग ने प्लान कराया कि यार वापस निकलते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो सबमिट भी कर लेंगे, क्योंकि यार अगर सबमिट जाते तो 6-7 घंटे की चढ़ाई तो है ही यही बात। साथ में तो यार वो चिप पड़े में, एक ये पड़े हैं, 2 वहाँ पड़े हैं। तो भैया अब यहाँ से निकलते हैं, और बेस वो कैंप का जो प्राइस है यार वो 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा स्लीपिंग बैग के साथ।
और पीछे का जो व्यू है ना यार, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है। तो यार अब यहाँ पर एक घंटे का होल्ड लेते हैं। वापिस उतर रहे हैं और इस सेम लोकेशन पर पहुंच गए हैं जो पहले भी देखी होगी आपने स्टार्टिंग में जाते हुए। तो अब सीधा यार नीचे मिलते हैं और यहाँ से रह जाता है 2 किलोमीटर नीचे, फिर अपना रेस्ट करते हैं आराम से और कल सुबह निकलते हैं। और ये है यार अपने होटल की एंट्रेंस और वो खड़ी है अपनी बाइक, वो खड़ी है भाई की गाड़ी। आना है आपको तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर दे दूंगा मैं। सो यार गाइस इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट, सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू व्लॉग, बाय बाय। I won't give up, I'm still healing.